हेलो एवरीवन, गर्मी से आए और ठंडी ठंडी स्क्वैश मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही स्पेशल स्क्वैश रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे मैं बनाने वाली हूँ काले अंगूरों से। ये रेसिपी काफ़ी आसान है। रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर करिएगा। तो शुरू करें। काले अंगूरों की स्क्वैश बनाने के लिए मैंने यहाँ पर काले अंगूर ले लिए हैं। ये अंगूर आपको किसी भी फ्रूट शॉप पर आसानी से मिल जाते हैं। अब इन्हें मैं बंच से तोड़ करके अलग कर लूँगी और कोई भी गला हुआ या सड़ा हुआ अंगूर हो तो उसे निकाल के अलग कर लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो अंगूर है ये गला हुआ है, तो इसे मैंने निकाल के फेंक देना है और बाकी सारे अंगूरों से स्क्वैश बनाने वाली हूँ। अब इसे बढ़िया सा पानी से धो लेना है, क्योंकि अंगूरों के ऊपर पकाने के लिए पता नहीं कितने तरह के केमिकल्स का छिड़काव होता है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं हल्की सी वाइट सी कोटिंग भी नज़र आ रही है, तो इसीलिए मैं इसे 3 से 4 बार मसल मसल के बढ़िया सा धो लूँगी। तो ये देखिए, मैंने इन्हें बढ़िया सा धो लिया है और अब इनसे स्क्वैश बनाने के लिए मैंने फ्लेम ऑन की है और एक बर्तन रखा है जिसमें मैं स्क्वैश बनाने वाली हूँ। इसमें डाल दिया है लगभग 1 गिलास पानी। पानी डालने के बाद अब जो धुले हुए अंगूर हैं इन्हें मैं इसमें डाल दूँगी और उसके बाद मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर इसमें मैं 1 से 2 उबाले आने तक का इंतज़ार करूंगी। तो लगभग 2 से 3 मिनट में ही इसमें देखिए उबाला आ चुका है और ये हमारे अंगूर जो हैं ये हल्के से गल भी गए हैं। अब क्योंकि हमने इसमें पानी भी मिलाया है तो इसमें मिठास देने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ चीनी। अगर अंगूर ज़्यादा मीठे हों तो इसमें आप कम चीनी ही लें, जैसे कि 2 से 3 चम्मच। लेकिन अंगूर कई बार कसले भी होते हैं तो आप खा करके एक टेस्ट करके देख सकते हैं, उस हिसाब से आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। तो ये वाले अंगूर काफ़ी मीठे थे तो इसमें मैंने कम चीनी ही ली है और अब इस चीनी को हमें जैसे हम चाशनी को पकाते हैं ना उसी तरीके से हमें पकाना है। इसे कवर करके मैं अब लो फ्लेम पर कम से कम 5 से 6 मिनट तक पकने दूँगी। धीरे धीरे जब ये पकेंगे तो अंगूर भी गल जाएंगे और चीनी की चाशनी भी बन जाएगी। ये देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए और अंगूर हमारे बढ़िया तरीके से गल चुके हैं। ये देखिए, और ये जो पानी है अंगूरों का, जितना भी जूस है या फिर एक्सट्रैक्ट है या जितने भी विटामिन्स हैं वो लगभग हमारे उस पानी में आ चुके हैं और देखिए अंगूर भी बढ़िया सा हमारे नर्म हो चुके हैं। तो बस अब मैंने फ्लेम को बंद कर देना है और इसे होने देना है ठंडा। ठंडा होने के बाद आप चाहें तो इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं और ब्लेंड करके फिर आप छन्नी में छान सकते हैं, पर मैं इसे ब्लेंड नहीं करने वाली हूँ। मैं आपको आगे बताऊँगी कि इसके जो अंगूर हैं उनका मैं क्या करने वाली हूँ। तो देखिए, जो स्क्वैश थी उसे तो मैंने छान लिया है छन्नी से और जो ये अंगूर है ना, ये जो अंगूर हमारे बच्चे हैं, आप चाहें तो इन्हें ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर ब्लेंड नहीं करना चाह रहे हो तो आप इन्हें डायरेक्टली भी सुखा करके खा सकते हैं। सुखाने के बाद में जब ये सूख जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं, मीठे भी हो जाते हैं और आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी डायरेक्टली खा सकते हैं, यानी गीले में भी खा सकते हैं या सुखा कर भी खा सकते हैं। और ये देखिए, हमारी स्क्वैश बन के तैयार है। बस इसे हमें किसी भी कांच की बॉटल में स्टोर करके रख लेना है। ये देखिए, कांच की ही बॉटल में स्टोर करिएगा, क्योंकि हम अगर इसे लंबे टाइम के लिए स्टोर कर रहे हों, जैसे कि 1 महीने तक आप इसे आसानी से स्टोर कर सकते हैं। आप रेफ्रिजरेटर में 1 महीने तक रख सकते हैं, बिना रेफ्रिजरेटर के आप इसे 15 दिन तक रख सकते हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर पर। और जब भी आपको पीना हो, गर्मी से आए हों, तो बस ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। 2 चम्मच आपने स्क्वैश के लेने हैं और साथ में पानी ले लेना है। और ये देखिए, आइस क्यूब्स डाल करके आपकी ठंडी ठंडी ये स्क्वैश बनके तैयार हो चुकी है। तो कैसी लगी रेसिपी बताइएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और ट्राई ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।